हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विजुअल आर्ट फैकल्टी BHU कैंपस का स्कल्पचर डिपार्टमेंट, जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है। और इस डिपार्टमेंट का आज मैं सारी क्लासेस शेयर करने वाली हूँ, किस तरीके से क्लासेस होती है, वर्क किस तरीके से स्टूडेंट करते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आज स्कल्पचर डिपार्टमेंट में वर्क डिस्प्ले है। तो आज आप लोगों को उन लोगों का वर्क भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे काम करते हैं। और यहाँ भी ऑफिस है, ठीक है। और ये पूरा आपका स्कल्पचर डिपार्टमेंट है, तो मैं पूरा दिखाऊं। और एक चीज यहाँ भी देख लीजिए कि ये भी दो तीन लगातार जो है ये तीनों ऑफिसेस हैं, और ये आपका पूरा स्कल्पचर डिपार्टमेंट है। आप देख सकते हैं कि पूरा वर्क डिस्प्ले हो रखा है, तो मैं एक एक करके सभी का वर्क आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ के स्टूडेंट काम करते हैं, किस तरीके से वर्क डिस्प्ले किया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल पे सारे वर्क डिस्प्ले किए गए हैं। तो चलिए एक एक करके शेयर करते हैं। सबसे पहले शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कहाँ पे कौन सी क्लासेस चलती है। तो यहाँ पे इस रो पे, इस एरिए पे फर्स्ट ईयर की क्लासेस चलती है, इसके पीछे साइड के एरिए पे सेकेंड ईयर की क्लासेस चलती है, और उधर साइड आप देख सकते हैं थर्ड ईयर की क्लासेस चलती है, और एकदम पीछे, अभी आपको मैं लेके चलूंगी, एकदम पीछे फोर्थ ईयर की क्लास चलती है और मास्टर की क्लासेस बाहर है, मतलब गेट पीछे साइड गेट मिलेगा आपको, उसके बाहर मास्टर की क्लास चलती है। अब मैं वर्क दिखाती हूँ सभी का आपको। एंड इधर चलता है फोर्थ ईयर का क्लासेस। यहाँ पे आप देख सकती हो, यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का क्लास चलता है, और यहाँ पे आप लोगों का चलता है फोर्थ ईयर का क्लासेस। तो यहाँ भी वर्क डिस्प्ले हो रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे। तो ये पूरा फोर्थ ईयर का क्लासेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, तो परमिशन लेनी होती है, फिर वर्क दिखाना पड़ता है, क्योंकि बिना परमिशन के किसी का वर्क शेयर नहीं कर सकते हम। तो ये वर्क हर्षित का है, क्लासमेट ही है मेरा स्कल्पचर डिपार्टमेंट। हर्षित, बताओ क्या सोच के बनाया तुमने ये वर्क? क्या होता है कि स्टूडेंट लाइफ में जो गांव से, गांव खेत बेच के आते हैं अपना, है ना, वो जूता नहीं पहनते, माने कि प्रोफेशनल लुक नहीं रखते कॉलेज वगैरह में, तो वैसा ही मेरा भी है, तो चप्पल ही पहनते हैं। और एक जैसे पढ़ाई करने के बाद 4 साल स्ट्रगल, 5 साल स्ट्रगल करने के बाद ही जॉब लगता है,
तो उस दौरान जो रिश्तेदार होते हैं शादी विवाह में हम लोग जाते हैं तो परेशान करते हैं कब जॉब लगी जी, तो उस चीज को वो लोग रोकते हैं कि शादी कर लो या फिर कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लो, ये तमाम चीजें तो ये रिश्तेदारों को ही दिखाया हुआ है। इस तरीके से लंगर मारते लंगर मारते हम लोग जैसे मकर संक्रांति पतंग नहीं उड़ाते हैं, दूसरे के पतंग के लंगर मारते हैं जी, है ना। तो वही चीज है कि मतलब रिश्तेदारों का जो खुद के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उन पे लंगर मारते हैं कि हाँ। इसका बच्चा भी ना पढ़े, कहीं हमसे बेसी ना निकल जाए सम्मान में, तो वो चीज है। तो ये हम है जो साइकिल चला रहे हैं ओके मेहनत से, ये रिश्तेदारों को बस इतना। बहुत अच्छा थी बहुत अच्छा बना चप्पल को उल्टा करके बनाने का ये मतलब है कि चप्पल हम लोग सीधा पहनते तो वो दिखता है कि सीधा पहनने की चीज है, लेकिन उसके अंदर क्या है माने हमारे मन के अंदर क्या है, इसीलिए हम इसको उल्टा करके बनाए सीधा करके नहीं बनाए। तो आप देख सकते हो कि कितनी गहराई से सोचा गया है ये थी। हम लोग ये सारे काम करने के लिए मिट्टी कहाँ से लेते हैं, तो वो भी मैं जगह दिखाती हूँ आपको कि ये वो एरिया है जहाँ पे मिट्टी रखा जाता है। बट अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बना हुआ है, इसी में सारे मिट्टी रखे जाते हैं। अभी मिट्टी है नहीं, खाली हो गया है क्योंकि सभी लोगों के काम हो चुके हैं, तो अभी मंगवाया नहीं गया है। ये मिट्टी हम लोग को खुद से परचेज नहीं करना पड़ता, फैकल्टी की तरफ से दिया जाता है। यहाँ पे भी कुछ कुछ आपको देख सकते हो कि मिट्टी से कुछ काम किए गए। अरे ये आप देख रहे हो, मैं सामने से दिखाऊं तो ये मेरा वर्क है फर्स्ट ईयर का। आई डोंट नो कि यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जितने भी मेरे स्कल्पचर डिपार्टमेंट के वर्क थे सारे रखे गए थे, जिसमें से मैंने 3 वर्क मैं अपने रूम पे ले गई हूँ और ये वर्क अभी भी यहाँ पे रखा हुआ। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, जो वर्क अच्छा होता है वो वर्क रख दिए जाते हैं ताकि उसे सेल किया जा सके या फिर आने वाले जो स्टूडेंट है वो इसे देख सके। तो मुझे भी बता दूं कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे यहाँ पे वर्क रखे हुए हैं और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी मेरे स्कल्पचर डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर के वर्क थे सारे वर्क एक भी नहीं, जैसे कि वर्क अच्छा नहीं बनता तो उसे वापस से तोड़ के फिर मिट्टी बना दिया जाता है, और जिनके काम अच्छे होते हैं उसे रख दिया जाता है, या तो वो सेल हो जाता है या तो फिर आने वाले स्टूडेंट उसे देखते हैं। तो जिसमें से 3 वर्क तो मैं अपने साथ अपने घर पर लेके गई थी परमिशन लेके सर से। मुझे लगा ये वर्क टूट चुका है, लेकिन मैं अब भी देख रही हूँ 4 साल बाद, कह रही ये वर्क तो रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से वो देख सकते हैं सीधे गेट है, वहाँ पे MFA की क्लास चलती है। और एक चीज यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं सामने से कि वर्क को कहाँ पकाया जाता है, तो भट्टी भी आप साथ में देख ही लीजिए। तो ये रही वो भट्टी, अंदर ईंट लगी हुई है और ऊपर से मिट्टी से इसे कवर किया जाता है और इसके अंदर वर्क रखा गया है, ठीक है। और ये वर्क सारे पकने के लिए फिर छोड़ दिए जाते हैं। ये भी आप देख सकते हो, ये भी क्लासेस है। और ये भैया ले सकते हैं ना, ब्लॉगिंग कर सकते, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे भैया काम कर रहे हैं। एंड अब आ गए हम लोग MFA की क्लासेस में, फाइनल, ये फाइनल ईयर वाले जो हैं उनकी है। अगर ब्लॉग में पूरा वर्क आए तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना भैया? एक्सक्यूज मी, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो यहाँ पे सारे सीनियर भैया लोग काम कर रहे हैं। Oh,
तो फ्रेंड्स ये है पूरा स्कल्पचर डिपार्टमेंट। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा यहाँ, क्या आप यहाँ पे आना पसंद करेंगे। वैसे तो यहाँ पे आना कौन नहीं पसंद करेगा, BHU खुद में बहुत बड़ी बात है, ट॑ॉप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में टॉप 3rd पे रैंक करती है ये यूनिवर्सिटी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू टुमारो एंड बाय।